हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीलांजन, आप देख रहे हैं इन्फोनिल हेल्थ एंड फिटनेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन्स के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आप अपने बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा बैक मसल जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है, जिसके ऊपर पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है और हमारी कई गलतियों के कारण से हमें बैक पेन फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 8 उपाय जिससे कि आप बहुत ही इजीली अपने बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं या फिर आप अपने बैक पेन को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टेक ब्रेक्स फ्रॉम वर्क। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि कम दिन में कम से कम 10 से 12 घंटा एक ही चेयर पे बैठ के कंप्यूटर की तरफ देख के काम करते हैं और जिसके कारण से उन्हें सबसे ज्यादा बैक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो कम से कम हर एक या डेढ़ घंटे बाद अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले, ब्रेक लेके 5 मिनट के लिए थोड़ा वॉकिंग करे, जिससे कि उनका मसल जो है वो फ्री होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे उनके मसल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है गेट सम रेस्ट। हमारे बॉडी के लिए सफिशियंट अमाउंट में सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका बॉडी थका हुआ है, अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, तो आपके बॉडी को उस टाइम पे रेस्ट की जरूरत है। तो अपने बॉडी के बारे में सोचिए, अपनी बॉडी की सुनिए और अपने बॉडी को सफिशियंट रेस्ट दीजिए, क्योंकि सोने से आपका मसल जो है वो रिलैक्स होता है। आपके अंदर अगर कोई भी दर्द है आपके मसल में, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है डू योगा। हम जानते हैं कि डेली एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर आप अपना हेल्दी बैक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बैक में किसी भी तरह का कोई भी पेन ना हो या फिर ऑलरेडी आप इस पेन से गुजर रहे हैं, तो वो पेन अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो रेगुलरली योगा कीजिए, क्योंकि योगा जो भी आप करेंगे, हर योगा में आपके बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग होने के कारण से आपका मसल जो है वो रिलैक्स होता है और इससे आपके बैक पेन के प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। चौथा पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। हम जानते हैं कि आपके बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगा पूरा दिन, तो इससे आपके मसल जो है वो उसमें इलास्टिसिटी बनी रहेगी और मसल में इलास्टिसिटी बने रहने के कारण से आपके बोन्स और जॉइंट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह के दर्द या चोट लगे तो इससे आपको ज़्यादा पेन ना हो। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, जिससे आपके मसल में जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार रहे सालों साल। पांचवा पॉइंट है मेडिटेट। हम जानते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन करने से आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, पर क्या आप जानते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन करने से आपका बॉडी भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन पोज में बैठते हैं तो आपका बैक जो है वो सीधा स्ट्रेट रहता है और स्ट्रेट रहने के कारण से आपका मसल जो है वो इंटैक्ट रहता है, जिससे आपके मसल में किसी भी तरह का बेंड नहीं होता और आपके मसल में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। और साथ ही साथ मेडिटेशन के दौरान जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप जब लंबी सांसें लेते हैं, तो इससे जो फ्रेश ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाता है वो आपके बैक मसल में अब्सॉर्ब होता है, जिसके कारण से आपका बैक मसल जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। छठा पॉइंट है गेटा मसाज। अगर ये सब करने के बाद भी आपका बैक पेन ठीक नहीं होता है, तो आप मसाज लीजिए, क्योंकि बैक पे मसाज लेने से आपका जो इन्फ्लेमेशन है बैक पे, मतलब कि आपके सूजन अगर किसी तरह का है जिसके कारण से आपको दर्द हो रहा है, वो आपका कम हो जाता है। साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने लगता है और आपका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि अगर आपको कोई भी दर्द है तो वो आपका धीरे धीरे बॉडी से निकल जाता है। सातवां पॉइंट है रिलैक्स। हम अक्सर देखते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है या किसी भी तरह का आपका मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, तो इसके कारण से हमें जो बहुत तरह के जो बॉडी पेन्स होती है, आपके बैक पेन के लिए भी सिमिलर लागू होता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का प्रेशर है, स्ट्रेस है, जिसके कारण से भी आपको बैक पेन होता है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए, टाइम निकाल के खुद को अपना एक ब्रेक दीजिए, जरूरत पड़े तो किसी वैकेशन पे चले जाइए छोटे से, तो इससे आपका जो स्ट्रेस जो है वो प्रेशर है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण से आपका बॉडी भी और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और आपको किसी भी तरह की बैक पेन्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आठवां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोंट ओवरडू इट। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, खास करके जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग रेगुलरली जिम या एक्सरसाइज करते हैं, वो जब भी कोई नया एक्सरसाइज ट्राई करते हैं तो उसके कारण से उन्हें मसल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसे कि मसल सोरनेस कहते हैं। पर धीरे धीरे वो एक्सरसाइज डेली करने से वो आपका मसल सोरनेस जो वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी बैक एक्सरसाइज करते हैं जिसके कारण से आपको मसल सोरनेस होता है, और अगर कुछ दिनों में वो मसल सोरनेस आपका ठीक नहीं होता है, तो इमीडिएटली आप वो एक्सरसाइज स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मसल सोरनेस नहीं आपके बैक का पेन हो, जिस कारण से आपको रेगुलरली जो है वो बैक पेन जो है वो और भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस टाइम पे आप उसे बंद कर दीजिए, जरूरत पड़े तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर जाके आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 8 ऐसे इजी वे जिसके मदद से आप बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही आप इजीली जो है अपने बैक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।